हमने बहुत सारे बजट गेमिंग लैपटॉप्स को कवर किया है, बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस बनाए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट एक लैपटॉप है असूस वीवोबुक गेमिंग, जो बहुत ही अंडररेटेड लैपटॉप है 50,000 के प्राइस सेगमेंट पे, और अभी करेंटली उसका प्राइस 57,000 चल रहा है। बट अभी आप मत लो, जब ये 50,000 होगा तब आप सोच सकते हो। तो इस वाले वीडियो में हम असूस वीवोबुक गेमिंग इस लैपटॉप के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कैसा परफॉर्मेंस है, छोटी छोटी चीज़ों पे भी बात करेंगे, कीबोर्ड माउस पे, सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि है बिल्ट एंड डिज़ाइन। डिज़ाइन जो है बहुत ही प्रोफेशनल डिज़ाइन है, एलिगेंट सा डिज़ाइन है, कोई आपको गेमिंग लुक नहीं देखने मिल रहा है। और बिल्ड के बारे में बात करूँ तो बिल्ड जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद में नहीं आया, डिज़ाइन मुझे पर्सनली पसंद में आया, मुझे प्रोफेशनल डिज़ाइन ज़्यादा पसंद में आते हैं। बट बिल्ड जो है वो प्लास्टिक बिल्ट है टोटली, और जो हिंज है वो भी बहुत वीक है। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो है टूट जाएगा अगर ज़ोर से लिड को बंद करेंगे तो, और हॉस्टल में बहुत ही ज़्यादा रफ यूज़ करते हैं लैपटॉप्स को, तो ये दिक्कत हो सकता है। बिल्ड क्वालिटी में इश्यूज आपको देखने मिलते हैं यहाँ पर। और अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो डिस्प्ले जो है बहुत ही अच्छा है, 15.6 इंच की आपको फुल HD IPS डिस्प्ले देखने मिलती है, जो कि 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ में आती है। और इस प्राइस रेंज पे सब 250 निट्स के ब्राइटनेस पे आते हैं, बट ये 300 निट्स के ब्राइटनेस पे आता है, और बहुत ही अच्छा डिस्प्ले। पर्सनली गेम खेलने में, मूवीज देखने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, तो डिस्प्ले में कोई शिकायत नहीं आएगी आपको। और बेजल जो है वो भी बहुत कम है, तो इसके डिज़ाइन में भी आप ऐड कर सकते हो इस चीज़ को, मतलब डिस्प्ले में जो बेजल्स है वो बहुत ही कम है। और आपको इसमें 8GB की DDR4 RAM देखने मिल जाती है, जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 16GB। सारे लैपटॉप्स इस प्राइस रेंज पे 32GB एक्सपेंडेबल मेमोरी के साथ में आते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर रखी है। और स्टोरेज के बारे में बात करूँ तो आपको 512GB की SSD देखने मिलती है, जो कि एक्सपेंडेबल स्लॉट के साथ में आती है, आप 1TB का HDD लगा सकते हो, तो स्टोरेज में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और CPU जो कि उसका दिमाग है लैपटॉप का, उसके बारे में बात करूँ तो आपको i5 9th जनरेशन देखने मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही डिसेंट सा प्रोसेसर है, 4 कोर 8 थ्रेड के साथ में आता है और 8MB की कैश मेमोरी के साथ में आता है। और GPU के बारे में बात करूँ तो आपको NVIDIA का 1650 ग्राफिक कार्ड देखने मिलने वाला है, और DDR5 का सपोर्ट है यहाँ पर। अच्छा ग्राफिक कार्ड है, बहुत अच्छी तरीके से गेम रन कर देता है, हम बहुत सारे हैवी गेम्स इस पे खेलते थे, और जितने भी हैवी गेम्स है आप नॉर्मली खेल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा ग्राफिक कार्ड है। और नेक्स्ट हम बैटरी पे बात करते हैं, तो बैटरी लाइफ मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, एकदम नॉर्मल सा काम कर रहे थे तो भी ये 2 से 2.5 घंटा चल रहा था, और गेमिंग कर रहे थे, WWE खेला था, तो 40 मिनट में डेड हो गया था लैपटॉप, तो बैटरी लाइफ इतनी खास नहीं है। और 3 सेल का बैटरी देखने मिलता है, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते। बट हाँ, इस प्राइस रेंज पे दूसरे लैपटॉप्स है जो बहुत ही अच्छे बैटरी लाइफ के साथ में आते हैं। और कीबोर्ड माउस के बारे में बात करूँ तो कीबोर्ड और ट्रैक पैड एक्चुअली, तो कीबोर्ड बहुत ही अच्छा है, आपको सिंगल कलर सपोर्टेड देखने मिलता है बैकलिट कीबोर्ड में, व्हाइट कलर। और ट्रैक पैड के बारे में बात करूँ तो ट्रैक पैड पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद में नहीं आया, थोड़ा रफ सा था, और इस पे ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिलता है। और ट्रैक पैड जनरली मैं बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे पसंद में नहीं आया, क्योंकि रफ था, बट आप माउस लगा सकते हो एक्सटर्नली। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडियो आउटपुट से, जो स्पीकर से ऑडियो आउटपुट है वो भी बहुत कम था, लाउडनेस एकदम कम, मतलब हम बेड पे रख के अगर गेम खेल रहे थे हॉस्टल में तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या आवाज़ आ रही है। तो लिटरली जो ऑडियो आउटपुट है वो बहुत ही कम है, लाउडनेस बहुत ही कम है, आपको हेडफोन ईयरफोन लगाना ही होगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, लाइक इसमें वाईफाई 6 देखने मिलता है, इस प्राइस रेंज पे वाईफाई 5 जनरली देखने मिलता है, और फिर ब्लूटूथ 5 देखने मिल जाता है, आपको 720 पिक्सल का वेबकैम देखने मिलता है, और फिंगरप्रिंट सेंसर तो है ही। और पोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो सारे पोर्ट्स आपको देखने मिल जाते हैं, कोई कंजूसी नहीं है, टाइप ए है, टाइप सी है, फिर HDMI पोर्ट है, माइक के लिए पोर्ट है, SD कार्ड रीडर है, तो पोर्ट्स में भी कोई दिक्कत नहीं। और ये जो पूरा लैपटॉप है इसका मास है 2.14 किलोग्राम, तो ये भी थोड़ा हैवी हो जाता है, मतलब आप लेके घूम नहीं सकते कैंपस में, या फिर अगर कहीं पर भी जा रहे हो तो ऑब्वियसली कंधे दर्द करने लगेंगे अगर आप ज़्यादा देर तक इसे लेके घूम रहे हो तो। बट यार ये मेजर दिक्कत नहीं है, काफ़ी सारे लोग जो है लैपटॉप को घर में ही यूज़ करते हैं। जो मेजर दिक्कत आपको लग सकती है वो है ट्रैक पैड, तो उसके लिए आप माउस परचेस कर लो, ऑडियो आउटपुट उसके लिए आप हेडफोन लगा लो, और फिर बिल्ड क्वालिटी उसको आप कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, और बैटरी उसके लिए आप प्लग इन कर दो लैपटॉप को हमेशा, तो बैटरी भी सेव रहेगी। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, दिक्कतें बता दी और दिक्कत के सॉल्यूशन भी बता दिए। बिल्ड क्वालिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बाकी सारी सॉल्यूशंस मैंने बता दी। अब मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, अगर ये जो लैपटॉप है आपको 50,000 के प्राइस रेंज पे मिल रहा है तो आप कंसीडर कर सकते हो इसको, बट करंटली ये 57,000 का चल रहा है, बट ऑब्वियसली ये 50,000 का होगा, आप देख लेना। तो 57,000 पे आप इसको टाटा बाय बाय कर दो, बट 50,000 पे आप सोच सकते हो, अच्छा लैपटॉप है, डिसेंट सा लैपटॉप है, बट हाँ यही है कि बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है। अगर आप रफली यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली छोड़ दो इसको, क्योंकि लैपटॉप अगर रहेगा तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे, अगर लैपटॉप रहेगा ही नहीं तो भले कितनी भी स्पेसिफिकेशंस हो, क्या ही अचार डाल लोगे आप उसका। और एक चीज़ मैंने मिस कर दी, इसमें डुअल फैंस आपको देखने मिल जाते हैं, कूलिंग फैंस, बट तो भी ये लैपटॉप हीट करता है, हम हॉस्टल में जब इसे टेबल पे रख के गेम खेलते थे तो भी ये लैपटॉप हीट कर रहा था, आप इसे 86 तो फिजिबल हो जाता है, बट तो भी कुछ टाइम बाद, 1-1.5 घंटे बाद ये बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था, 97, 98,
तो यार आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए अगर आप गेमिंग के लिए इस लैपटॉप को ले रहे हो तो। अगर लॉन्ग टर्म गेमिंग करने वाले तो ऑब्वियसली हीटिंग इश्यूज आपको देखने मिलने वाले हैं। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भी वीडियोस चेकआउट करो। और अगर आपका कुछ सवाल है तो इंस्टाग्राम पे पूछ लो, वहाँ पर फॉलो करो, वहाँ पर सवाल पूछना, कम्युनिकेट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ करने की कोशिश करेंगे। बाय।